नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। अक्सर आपके साथ, मेरे साथ तो हुआ है कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल स्टूडेंट लाइफ में कई बार ख़त्म हो गया है। डलवाना भूल गया था या आर्थिक तंगी की वजह से, दोनों कारण थे। अब फिर धक्का दे के पेट्रोल पंप ले गए थे, पर रेलवे में चलती ट्रेन के इंजन से डीजल ख़त्म हो जाए, चौंकाने वाली बात है पर ये हुआ है। अजब गजब रेलवे है, चलती ट्रेन से डीजल ख़त्म हो गया। देखा कि नहीं देखा, पूरा वाक्य बताऊंगा आज के छुपा खेल विद प्रवेश में। हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद। स्वागत है। मैं जब कॉलेज में था, पॉकेट मनी कम मिलती थी तो अक्सर पेट्रोल गाड़ी का कम हो जाता था, 10-20 रुपए का पेट्रोल डलवाया करता था, अब बीच में ख़त्म हो जाए तो धक्का दे के भी पेट्रोल पंप गए हैं। आपके साथ भी हुआ होगा, आर्थिक तंगी या कुछ और कारण, लापरवाही भी हो सकती है। पर रेलवे, जिसमें एक से एक बड़े अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी बैठे हुए हैं, यदि उसमें ऐसा होने लगे तो, मतलब अधिकारियों, गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, चलती ट्रेन, जी हाँ, डीजल इंजन से चलती हुई ट्रेन का अचानक से रुक जाना, कारण डीजल का ख़त्म होना। जी हाँ, ये वाक्या हुआ है भोपाल रेल मंडल के खिड़किया स्टेशन के पास। यह वाक्या है 14 सितंबर 2021 का, सुबह तकरीबन 6:30 से 7 के बीच में एक ट्रेन, मालगाड़ी थी, डीजल इंजन से चल रही थी, इटारसी तरफ आ रही थी, खिड़किया स्टेशन के आगे अचानक से चलते चलते रुक गई। ड्राइवर ने, यानी लोको पायलट ने देखा कि उसमें जो डीजल है वह तय मात्रा से काफ़ी कम मौजूद था, यानी वो स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। यह बकायदा लोको पायलट ने लिखित में बयान दिया है। मामला दरअसल ऐसा है कि मालगाड़ी जब अपने स्टेशन से चली तो उसमें नियम है कि लोको पायलट हर एक चीज़ की जांच करता है, ब्रेक, तेल, पानी, सब कुछ की। उसने देखा उसमें डीजल कम था, उसने बकायदा भोपाल रेल मंडल के कंट्रोल ऑफिस को सूचित किया कि इसमें डीजल लगभग 2000 लीटर है, ये ज़्यादा दूर नहीं चल पाएगी। नियमानुसार कंट्रोल को तुरंत उस गाड़ी को रोकना था, दूसरा इंजन भेजना था जिसमें डीजल हो और उससे उस गाड़ी को वापस लाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंट्रोल से उस ड्राइवर को सूचना दी गई कि आप गाड़ी लेके आगे बढ़ो, हम आगे व्यवस्था देखते हैं। मैथला स्टेशन या शायद खिड़किया स्टेशन में फिर वही स्थिति हुई। ड्राइवर ने, यानी लोको पायलट ने, वहाँ पर एक मेमो दिया कि इसमें डीजल तकरीबन 1500 लीटर है, ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा नहीं चल पाएगी। उसके बाद ALP ने, जो उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने भी ये सूचना दी। तो जब स्टेशन मास्टर को सूचना दी गई तो बड़ा अजीब दिलचस्प वाक्य हुआ। स्टेशन मास्टर ने पावर कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल ऑफिस में सूचित किया कि इसमें डीजल नहीं है, लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट ने मेमो दिया है। वहाँ से जो भी जवाब आया हो, स्टेशन मास्टर ने उसे असिस्टेंट लोको पायलट से कहा कि वो लोग हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि डीजल लेके मैं आऊँ, आप आगे बढ़िए, देखते हैं। और लोको पायलट जैसा निर्देश मिला कंट्रोल से, ट्रेन लेके आगे बढ़ गया। यह ट्रेन एक्चुअली कोयला लेके एक पावर स्टेशन गई थी, वहाँ से ये खाली रैक वापस आ रहा था, लेकिन 6:58 के आसपास डीजल इंजन बंद हो गया, रुक गया। ड्राइवर ने दोबारा उसको स्टार्ट करने की कोशिश की, थोड़ा स्टार्ट हुआ और जैसा होता है भुक भुक करके बंद हो गया। वाकई में वाक्या हुआ है, दिलचस्प वाक्या है। रेलवे जैसे संगठन में, रेलवे जैसी संस्था में इस तरह लापरवाही बहुत खतरनाक साबित हो सकती हो। तो गनीमत था कि वह मालगाड़ी थी और खाली थी, यदि भरी होती, कोयला लेके जा रही होती या यात्रियों को लेके जा रही होती, तब कितनी परेशानियां होती। ड्राइवर ने इंजन बंद होने के बाद वॉकी टॉकी से स्टेशन मास्टर संपर्क किया, उसके बाद पावर कंट्रोल में मैसेज गया, कंट्रोल रूम से एक दूसरा इंजन भेजा गया उसके पास तक और उसको जोड़ के वापस उस ट्रेन को इटारसी तक लाया गया। इस पूरे काम में लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय गया, जिसके चलते कई ट्रेनें डिटेन हुई, मतलब लेट हुई, क्योंकि उस ट्रैक पे मालगाड़ी रुक गई थी, डीजल रेलवे इंजन का ख़त्म हो गया था। इसका जिम्मेदार कौन है? जब मैंने इस मामले को लेकर भोपाल रेल मंडल के DRM, पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों संपर्क किया तो मुझे आधिकारिक तौर पर बताया गया कि मैकेनिकल के जो कंट्रोल में बैठते हैं, PRC कहते हैं उनको, उनको चार्जशीट दी गई है, फिलहाल जाँच जारी है। पर जो संयुक्त जांच रिपोर्ट है उसमें 3 लोगों की जिम्मेदारी बताई गई है, उन तीनों पे कार्रवाई बनती है, चाहे वह ऑपरेटिंग के हों, चाहे मैकेनिकल के हों, चाहे किसी और के, पर अभी तक सिर्फ एक को चार्जशीट दी गई है और उस मामले को काफ़ी दबाने का प्रयास किया गया है। सुनिए जी, हम साहब छुपा खेल
छुपा खेल यही है कि अपनी ड्यूटी यदि संजीदगी से जिम्मेदारी के साथ पावर कंट्रोलर निभाते तो शायद इस तरह की घटना घटित ना होती। वह तो भगवान का शुक्र था कि यह खाली मालगाड़ी थी, यदि यात्रियों की गाड़ी होती और यदि स्लोप में होती और बंद हो जाता तो वापस भी डनक सकती थी, कुछ भी घटना घट सकती थी। रेलवे है, कुछ भी होता है जब गजब रेलवे, छुपा खेल, लापरवाही या जिम्मेदारी जो भी हो, पर घटना घटित हुई। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश।